नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट नई शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रीट नई शिक्षक भर्ती की पात्रता एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन को लेकर दोस्तों एग्जाम डेट क्या रहेगी, प्री एग्जाम कब होगा, मेंस एग्जाम कब होगा, 34,000 पदों में से दोस्तों कैटेगरी वाइज कितने पद आएंगे, जिलेवार कितने पद आएंगे दोस्तों, और लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड में कितने पद आएंगे, उसको लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरे जरूर देख लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जो 34,000 टोटल पद हैं दोस्तों L1+L2 के, इसमें से लगभग 9,500 पद दोस्तों सिर्फ OBC कैटेगरी के लिए रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, OBC कैटेगरी के लिए पद इसमें से 9,500 पद आएंगे। बाकी के पद दोस्तों इसमें SC के भी पद आने वाले हैं, ST और जनरल कैटेगरी के लिए भी पद आएंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इसमें पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। अभी पूरा वर्गीकरण नहीं आया है दोस्तों। कल एक और नई भर्ती आ चुकी है संसद विद्यालय में दोस्तों, 33 श्रेणी भर्ती, 339 लेवल फर्स्ट के और 2,000 पद लेवल सेकंड के। तो टोटल दोस्तों 339 पदों पर दोस्तों आपकी एक और भर्ती संसद विभाग में भर्ती है। जिन्होंने संसद से दोस्तों BEd या BST से किया है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं दोस्तों। रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि वार्ता में क्या हुआ है दोस्तों। लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार छात्रों की जो मांग है वो सरकार के सामने रखी जा रही है, क्योंकि चुनावी साल है दोस्तों इस वर्ष, और काफ़ी सारी नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और नोटिफिकेशन जारी भी किए जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आएगी। तो इन सभी भर्तियों को देखते हुए नई रीट के आयोजन की जो मांग है छात्रों द्वारा लगातार की जा रही है कि एक और रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए या फिर एक और रीट नई भर्ती की घोषणा की जाए। 34,000 पदों पर शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने दोस्तों घोषणा की है, और जो भर्ती है वो आपकी दोस्तों 2024 में होगी, यानी कि मेंस 2024 में होगा, लेकिन जो प्री एग्जाम है वो आपका दोस्तों इसी वर्ष आपको देखने को मिल सकता है। जुलाई अगस्त माह में राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अहम साबित होने वाला है। चुनावी साल होने के कारण काफी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आगामी दोनों माह में बड़ी बड़ी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, काफी सारी भर्ती आएंगी। युवा साथी और रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और शिक्षा मंत्री BD कल्ला एवं मुख्यमंत्री के अधिकारियों के सामने रख चुका हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही राज्य सरकार रीट पात्रता परीक्षा का निर्णय लेगी। जी हाँ दोस्तों, अपडेट के अनुसार रीट पात्रता के फॉर्म अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगस्त में दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों शुरू हो जाएंगे, और जो आपके फॉर्म हैं लगभग सितंबर तक चलेंगे। नवंबर या फिर दिसंबर में रीट पात्रता परीक्षा हो सकती है इसी वर्ष, क्योंकि शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने भी दोस्तों यहाँ पर बयान दिया था कि हर साल जो CTET है या फिर UPTET है, जिस प्रकार से हर साल आयोजित करवाई जाती है, उसी प्रकार से दोस्तों रीट पेपर का आयोजन भी किया जाएगा। रीट में दोस्तों अगर मैं बात करें, जो प्री एग्जाम है वो सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न भी वही रहेगा। अजमेर बोर्ड के द्वारा पेपर का आयोजन किया जाएगा। मेंस आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। राजस्थान में UPSC की तर्ज पर हर साल रीट होगी। जिस प्रकार से UPSC हर साल एग्जाम लेती है, उसी प्रकार से दोस्तों रीट भी हर साल आयोजित होगी, जिसका भी बेनिफिट रहेगा ताकि छात्र अधिक से अधिक मौके मिल सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मेंस एग्जाम में बैठ सकेंगे दोस्तों। 33 श्रेणी शिक्षकों के अभी 53,000 पद खाली हैं, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से आपकी भर्ती होगी 34,000 पदों पर, तो लगभग आधे से ज़्यादा पद इस भर्ती से भर जाएंगे दोस्तों। तो ये अच्छी अपडेट रहेगी। जितने भी छात्र हैं वीडियो को शेयर किया करें। लेवल फर्स्ट में लगभग 19,000 पद लेवल फर्स्ट में ज़्यादा पद आएंगे, लेवल टू में दोस्तों 15,000, टोटल 34,000 पदों पर ये भर्ती आएगी दोस्तों। और भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। तो हर साल शिक्षक भर्ती और खाली पड़े पदों पर भर्ती सरकार कर रही है प्रयास। डॉक्टर BD कल्ला शिक्षा मंत्री, उन्होंने इसका आश्वासन दिया है दोस्तों, और जल्द ही आपको रीट मेंस के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। रीट मेंस आपका 2024 में होगा, पहले प्री एग्जाम होगा। जो छात्र प्री एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे 90 अंक जनरल कैटेगरी में और 83 अंक दोस्तों अदर कैटेगरी में लाओगे, वही आपके मेंस में बैठ पाएंगे, और इसमें सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। पहले 3 साल योग्यता थी, उसके बाद 7 साल कर दी गई, अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। 34,000 पदों पर रीट नई भर्ती की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, और जल्द ही भर्ती की घोषणा की जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।